दस महाविद्या। जय माँ काली। दस महाविद्या में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली दस महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में दस महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही दो रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ नुशुंभ के अत्याचार से व्यवस्थित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सुक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्णा हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्धान हो गए। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनके सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से कन्य षोड़शी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः दो रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला सौ पर आरूढ़ मुंड माला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरण गति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ काली।